अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक कॉल आता है पुलिस के पास 112 पे और उसमें बताया जाता है कि 21 सितंबर को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा, ये धमकी दी गई। उसके बाद पुलिस एक्टिव होकर इस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लड़का जो है वो 14 साल का है और 8 क्लास में पढ़ता था, जिसने 21 सितंबर को बम से उड़ा देने की धमकी इस शख्स ने दी थी। 21 सितंबर को बताया कि इसने कि राम मंदिर को ये बम से उड़ा देगा। उसके बाद कुछ वेबसाइट ने इस खबर को छापा है। News24 ने भी इस खबर को ट्वीट किया है, जुर्नो मिरर ने भी इस खबर को ट्वीट किया है और क्या लिखा है ये आपके स्क्रीन पर। जुर्नो मिरर लिखता है, अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी मिलने पर पुलिस ने ग्रीस के 14 वर्षीय बेटे को हिरासत में लिया। ये जुर्नो मिरर ने इस खबर को छापा है, वहीं News24 ने भी इस खबर को छापा है। उसके बाद आपको बता दूं कि कुछ वेबसाइट है उसने भी इस खबर को छापा है और वो क्या लिखता है ये जरा आप देखिए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को छापा है और लिखा है, एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को कहा 14 वर्षीय लड़के को अयोध्या राम मंदिर को उड़ा देने की धमकी मिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अभी ये खबर जो है इसे आप समझ लीजिए। बताया ये भी जा रहा है कुछ जगह पे कि YouTube को देखकर 112 पे इसने कॉल लगाया, कॉल लगाकर बताया इसने कि 21 सितंबर को ये राम मंदिर को उड़ा देगा। अब उसके बाद जैसे ही पुलिस के पास ये खबर गई उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। इस खबर में आगे ये लिखा है कि लखनऊ पुलिस और अयोध्या पुलिस ने मिलकर इसका मोबाइल नंबर जो था उसे ट्रेस किया और उसके बाद इस शख्स को बरेली से गिरफ्तार किया, जो कि ग्रीस का बेटा बताया जा रहा है। ग्रीस नाम के एक शख्स का 14 वर्षीय बेटा है जो कि 8 क्लास में पढ़ता था, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब इस खबर को लेकर आगे क्या खुलासा होता है, फिलहाल खबर तो यही थी सबसे बड़ी कि जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है और उसको लेकर आपको बता दूं कि 2024 जनवरी में ही इसका उद्घाटन करने की भी बात हो रही है। अब उसके बाद आप एक तरफ चुनाव देखेंगे कि चुनाव भी होने वाला, वहीं दूसरी तरफ ये खबर जब सामने आती है तो सोशल मीडिया पे हड़कंप समझ जाता है। अब उसको लेकर ये जो खबर आई जिसके हिसाब से बताया गया कि जो शख्स है जिसने 112 पे कॉल किया और उसके बाद इसने बताया कि 21 सितंबर को इसने कॉल किया, 19 सितंबर को, और इसने बताया कि 21 सितंबर को ये काम करने वाला है। इस खबर में आगे ये भी लिखा गया कि पुलिस के पास जब कॉल आए तो पुलिस ने उसका नाम और एड्रेस जब पूछा तो उस लड़के ने डर के मारे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद पुलिस इस पर छानबीन में लग गई। एक्टिव होकर इस शख्स को बरेली से गिरफ्तार किया गया जो कि मात्र सिर्फ 14 साल का एक लड़का है जो कि 8 क्लास में पढ़ता था, लेकिन काम देख लीजिए कितना बड़ा इसने किया है। लेकिन आपको बता दूं कि इसको लेकर यही अपडेट है जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर इसको लेकर आगे और कोई भी अपडेट आता है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।